होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ स्वेंडन फैक्ट्री आउटलेट और यहाँ पे मैं घूम रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक स्पेशल स्टोर का पूरा डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो मैं आई हूँ ब्यूटी आउटलेट। यहाँ पे सारे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स जो है ना बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं। चीप मतलब कि जो नॉर्मल स्टोर में शॉप्स में मिलते हैं उससे सस्ते में यहाँ फैक्ट्री आउटलेट में मिल जाता है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। $4.99 के हैं हेयर नॉट्स सारे। सो देखो यहाँ पे हैं नेल पॉलिश के सारे कलेक्शंस। प्राइसेस $7.99 to $4.15। कलर्स आप देख सकते हो। क्योंकि ये फैक्ट्री आउटलेट है इसलिए सारे ही चीज़ों के काफ़ी ह्यूज वैरायटी है। इस साइड देखो सारे बाथ बॉम्स हैं, मैं अभी आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उठाएंगे अपना बैग। जलीशा ने ऑलरेडी उठाना स्टार्ट कर दिया नेल पॉलिश वगैरह। बहुत सारे वैरायटी है यहाँ पे। बाथ बॉम्स यहाँ पे सेल में अभी £3 वाले अभी £2 में मिल रहे हैं और बहुत सारे वैरायटी है, काफ़ी सारे फ्रेगनेंस वाले। बाथ बॉम्स नॉर्मली बाथ टब में डालने के लिए होता है जिससे कि एक फिजिंग इफेक्ट आता है, मतलब डालते साथ ही बबल्स निकलने लगते हैं। और ये बाथ के लिए यूज़ होता है, नहाने के लिए यूज़ होता है। स्किन को मतलब इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट्स रहते हैं ना उससे स्किन सॉफ्ट होता है, डेड स्किन्स निकलते हैं। काफ़ी सारे ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेगनेंस होता है, बहुत अच्छा होता है नहाने के लिए। तो देखो नेल पॉलिश के वैरायटीज़ इतने सारे वैरायटी है कि मतलब आप चूज़ नहीं कर पाओगे, इतने सारे वैरायटी है कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ ऐसे। और प्राइजेस भी मतलब अलग अलग है सारे के, आप देख सकते हो। ऑफर्स भी रहते हैं काफ़ी सारे में। तो यहाँ पे £2.99 का है। यहाँ पे शेड्स लगे हैं काफ़ी सारे, तो आप अपने नेल्स में इसको लगा के देख सकते हो, मतलब नेल्स को रख के देख सकते हो कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इतने सारे वैरायटी है ना लिटरली कि मतलब चूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देखो यहाँ पे ये ज़्यादा कॉस्टली वाले भी हैं, मतलब £2 for £12। कम रेंज के भी हैं, ज़्यादा के भी हैं, बहुत सारे वैराइटीज़ हैं। कलर शेड्स देख के ना लिटरली आपका दिमाग घूम जाएगा। और ये सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी भी मॉल में या कोई भी शॉप में आप चले जाओ वहाँ से लेने जाओगे ना तो बहुत महंगे मिलने वाले हैं सेम प्रोडक्ट। गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए देखो ये सारे हैं, मेकअप के एसेसरीज, ब्रश वगैरह है। किसी का बर्थडे आ रहा हो या फिर ऐसे ही आपको किसी को भी गिफ्ट करना हो क्रिसमस वगैरह में तो यहाँ से आके आप देख सकते हो। इतनी सारी वैरायटी है ना गिफ्ट देने के लिए। और नेल्स भी है देखो, £4 के हैं ये वाले। अगर आपको भी नेल्स का शौक है तो यहाँ से आके आप ले सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्लेन कलर्स में नेल्स नहीं है बल्कि उसके ऊपर जो डिज़ाइनर वाले आते हैं ना आजकल जो नेल्स वगैरह करवाने जाते हैं डिज़ाइन वाले नेल्स, वो भी है, बच्चों के लिए भी है इवन। और यहाँ पे देखो ये बास्केट में ना ऐसे छोटे छोटे से नेल पॉलिश है £1 वाले, उसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ थे। और ये देखो ये वाला नेल्स दिखा रही हूँ, कितना सुंदर प्यारा सा है ना, बहुत सुंदर सुंदर एक से एक। और सारे नेल्स से रिलेटेड सारे चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब स्टार्ट होता है लिपस्टिक वाला सेक्शन। और लिटरली यहाँ पे आगे ना मैं पता नहीं कितना टाइम मैं यहाँ पे लगाई थी, मुझे लिपस्टिक चूज़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे शेड्स हैं ना प्यारे प्यारे कि आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा लूँ। मुझे सारे ही शेड्स अच्छे लग रहे। तो यहाँ पे बजट के हिसाब से कम प्राइस के भी हैं, ज़्यादा प्राइस के भी, ऑफ़र में भी है, एक के साथ एक फ्री वाला भी है। तो देखो थोड़े से शेड्स में आप लोगों के साथ शेयर करी और साथ साथ देखो यहाँ पे रेट्स भी आपको दिख जाएंगे। देखो ये वाला कलर भी मुझे बहुत, और टेस्टर है तो आप चाहो तो यहाँ पे लगा के देख सकते हो। जब मैं नॉटिंगम में थी तो वहाँ के फैक्ट्री आउटलेट का भी मैंने वीडियो शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी आप ज़रूर देखना। बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे वहाँ पे भी। और अब यहाँ पे 2022 का मैं फैक्ट्री आउटलेट घुमा रही हूँ स्वेंडन वाला, जहाँ पे पूरा फैक्ट्री आउटलेट नहीं, पूरा फैक्ट्री आउटलेट का वीडियो भी शायद जल्दी आ जाएगा, बट अभी फ़िलहाल में ये कॉस्मेटिक्स वाला स्टोर बहुत बड़ा था, टाइम लगने वाला था, तो मैंने सोचा चलो अलग से सेपरेटली वीडियो बनाया जाए सिर्फ कॉस्मेटिक्स का। तो देखो सारे शेड्स और लिपस्टिक के बाद यहाँ पर आता है हेयर मास्क। बहुत सारे वेराइटी, बहुत सारे मतलब फ्लेवर के और काफ़ी अलग अलग टाइप का था। फूट मास्क
मास्क था, फेस मास्क था, मैनीक्योर किट्स रखे हैं यहाँ पे, देखो ये सारे ना आप चाहो तो किसी को गिफ्ट्स भी दे सकते हो, छोटे छोटे चीज़ें लेके मैनीक्योर का, उसके बाद फिर फेस मास्क, और ये बहुत 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 प्यारा लगता है। देखो ये ग्रे लिपस्टिक पता नहीं किस पर सूट होने वाला है, लेकिन हमारे स्किन टोन पे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। शायद यहाँ जितने एकदम गोरे लोग होते हैं तो उन पर ये बहुत अच्छा लगेगा, बट हम जैसे लोगों पर, इंडियन स्किन टोन पर मुझे नहीं लगता कि ये शेड जो है सूट करने वाला है। वैसे सूट करे चाहे ना मतलब करे, लगाने वाले लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब आता है ये एक रिवॉल्यूशन का लिप्स वाला पैलेट, मुझे बहुत अच्छा लगा था, 3 pound का है ये, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स है इसमें, अपने लिए भी ले सकते हो, किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हो। और यहाँ पे सारे ही जो है ना ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि लोकल वाले नहीं है, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, फैक्ट्री से आते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है तो इसलिए यहाँ पे सस्ते में मिलते हैं अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ये देखो ये सारे लिपस्टिक्स यहाँ पे, तो भैया भरमार थे, बास्केट में पूरे भर भर के लिपस्टिक रखे थे, और सारे 2 pound 99 pence के, बहुत सारे लिप बाम्स भी थे। तो देखो प्राइस आपको देख रहे हो 4 pound 99 का 2 pound 99 में मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ शैम्पू था, कंडीशनर था, बहुत सारे चीज़ें थे यहाँ पे, हेयर के ये क्लचेस है, पिंस है, मतलब सब कुछ है स्टोर के अंदर, जितने भी मेकअप से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे ये आईब्रो पेंसिल शार्प करने वाला, ये दिखा रही हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मतलब एसेंशियल ऑयल्स है, हेयर मास्क है, हेयर सीरम है, फेस सीरम है, बहुत कुछ है इस स्टोर के अंदर। तो देखो सारे प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स स्किन रिलेटेड सीरम्स वगैरह है, विटामिन सी सीरम्स है, और बहुत सारे मतलब नेल से मतलब सर से लेके पाँव तक सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सस्ते में, अच्छे अच्छे एक से एक वेराइटी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। तो मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की थी, देखो ये 1 pound का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट गडर टाइप का है, हेयर्स के लिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, तो मैंने यहाँ से एक उठा लिया था। मैंने क्या क्या ख़रीदा था ये मैंने ऑलरेडी शायद दिखा दिया है किसी वीडियो में, या नहीं शायद अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, वो वीडियो भी आ जाएगा जल्दी, तो बस आप वॉच करते रहो मेरे वीडियोज़, आपको उसमें दिख जाएंगे। और ये देखो ये सारे प्रोडक्ट, मतलब घूमते घूमते इस स्टोर में ही मुझे ना 1 घंटे से ऊपर लग गया था, इतना इतना कुछ था, ऐसा लग रहा था मतलब बस मुझे देखते रहना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हेयर्स के हैं, ये है अच्छा, ये टैनिंग मोस है, मतलब यहाँ के लोगों जो गोरे हैं उनको थोड़ा सा टैन करने का शौक होता है ना, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये है बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे, आई लैशेस कर्ल करने वाला भी मैंने दिखाया। ये देखो ये परफ्यूम का यहाँ पे टेस्टर रखे हैं, तो आप लगा लगा के देख सकते हो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है फ्रेगनेंस, उस हिसाब से आप ले सकते हो। और यहाँ से भी मैंने एक परफ्यूम उठाया था, मुझे ये पिंक वाला बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने लिया था, बहुत बहुत मस्त खुशबू था इसका, देखो इसका पैकेजिंग भी बहुत प्यारा है, तो ये मैंने ले लिया। और यहाँ पे आओ ना तो छोटा छोटा सामान करते करते भी ना बहुत सारा कुछ ख़रीदना हो जाता है। तो यहाँ पे शिप टेंशन में है कि मैं कितना सारा बास्केट भर रही हूँ, तो मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ, देखो मैंने इतना सारा लिया है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, देखो ये सारे शैम्पू है, कंडीशनर है, बहुत अपने अपने मतलब हेयर के हिसाब से लोग यहाँ से ले सकते हैं, सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स है, सारे ही चीज़ें, देखो ब्रश वगैरह है, मेकअप ब्लेंड करने वाले ब्रश है, ये सारे स्पॉन्ज रखे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे सामान भी है, बड़े बड़े सामान भी है, महंगे भी है, सस्ते भी, अपने हिसाब से आप जो चाहे ले सकते हो। तो देखो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये आई शेडो पैलेट्स रखे हैं, एक से एक आई शेडो पैलेट्स है, फेस पैलेट्स है। तो मतलब यहाँ पर आके ना लिटरली सच में बता रही हूँ, मुझे हर बार जब भी मैं जाती हूँ यहाँ से मैं आई पैलेट उठाती हूँ। तो इस बार भी मैंने एक छोटा सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये बड़ा वाला ले लूँ, बट ये 12 pound का था, तो फिर मैंने सोचा मैं इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही कभी कभार लगाना होता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा उठाया। और ये देखो यहाँ पे ये सारे, देखो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बस ले लूँ, बट मेरे पास बड़ा वाला भी है, तो वो भी मैंने शायद दिखाया है किसी वीडियो में। और ये देखो बहुत एक से कलर्स इतने अच्छे हैं ना, मतलब बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो यहाँ पे बस आप देखते जाओ, रेट्स भी देखते जाना, मैं दिखाते जा रही हूँ। ये वाले से मैंने उठाया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, कलरफुल बहुत, कभी कभी ना थोड़ा सा ऐसा मतलब ज़्यादा टिंटेड वाला आई शेडो भी मतलब ज़रूरत पड़ता है किसी किसी चीज़ में, तो मैंने ये वाला एक उठा लिया था। अब यहाँ पे देखो ये मस्कारा है, काजल है, आईब्रो के लिए है, सब कुछ है, लाइन्स है यहाँ पे, ये सारे मतलब आई मेकअप से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट इस एरिया में ही रखे थे, तो यहाँ पे सारे चीज़ मैं दिखा रही हूँ।
देखो यहाँ पे मस्कारा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मस्कारे हैं भैया, मतलब इतनी सारी वैरायटी है ना कि मतलब आप चूज़ नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ पे ये गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए भी है काफ़ी, £1.99 का है। तो ये देखो यहाँ पे भी कुछ कुछ रखे हुए हैं, बहुत कुछ है एक्चुअली, मतलब घूमते घूमते आप थक जाओगे वाले स्टोर में ही। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है ये फॉल्स आई लैशेस, काफ़ी सारे वैरायटी है और सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले भी हैं। तो देखो ये फोर पाउंड वाले हैं ये सारे, साथ में ग्लू भी है इसके अंदर, और चाहो तो आप अलग से भी ग्लू ले सकते हो। देखो 3 पाउंड का ये वाला पैलेट अच्छा है, मतलब क्यूट सा है, कहीं अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो इसको लेके जा सकते हो, हल्का भी है और काफ़ी सारे कलर्स भी है। तो देखो यहाँ पे ये सारे काजल है, आईब्रो पेंसिल्स है, पूरा ये वाला सेक्शन उसी का था, पूरा बकेट बकेट में। देखो £1.99 के हैं ये सारे आईब्रो पेंसिल्स, बहुत सारे, मतलब भरपूर भरमार है, आप चाहो तो थोक में भी ले सकते हो, टेस्टर है तो लगा के भी देख सकते हो। और यहाँ पर देखो ये वाला सेक्शन, ये सारा आई मेकअप का ही मैं दिखा रही हूँ अभी, ये देखो आईब्रो कॉन्टोर करने वाला है, ये बहुत अच्छे अच्छे थे। मुझे मतलब बहुत कुछ ऐसा भी यहाँ पे मिला इस शॉप में जो मैंने मॉल वगैरह के वहाँ पर स्टोर में मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पे मिल जाता है वो सारा ही प्रोडक्ट। तो जिन लोगों को मेकअप करना बहुत पसंद है या फिर जिनका कोई मेकअप रिलेटेड यूट्यूब चैनल है तो बिल्कुल मस्ट विज़िट प्लेस है ये वाला, बिल्कुल आना, यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा, वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और अगर कोई इंडिया से भी आने वाले हो, विज़िट करने वाले हो, तो सर्च करना जिस भी प्लेस में आप जा रहे हो फैक्ट्री आउटलेट, तो वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये जो है ये स्विंडन का फैक्ट्री आउटलेट है। तो देखो ये सारे 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 प्रोडक्ट्स, बस आप देखते जाना, रेट्स देखते जाना, जिनको जो मास्टर है इस प्रोफेशन में, मेकअप के प्रोफेशन में, उनको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और यहाँ पर स्टार्ट होता है अब कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ही, क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मुझे मैं भी देख ही रही हूँ। हाँ ये है आई प्राइमर, ये टेस्टर है तो चाहो तो लगा के यूज़ कर सकते हो, आई प्राइमर आई मेकअप करने के पहले लगा सकते हो। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये देखो ये सारे बहुत कुछ 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 छोटे 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 भी आइटम रखे हुए थे, तो बस मैं देखती जा रही थी। और यहाँ पर है हेयर्स, पोनी टेल्स भी थे काफ़ी अलग अलग शेड्स के, कलर्स के, हेयर वीक वगैरह भी था, और सिर्फ पोनी टेल लेना चाहो तो वो भी था, और कलर वाले भी थे बहुत सारे वैरायटी के थे। तो यहाँ के लोग एक्चुअली ये सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा भरपूर रखा हुआ था, ये सारे हेयर ब्रशेस, कॉम्ब्स और ये सब थे यहाँ पे, और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ था यहाँ पे। और ये देखो ये पर्स थे कॉस्मेटिक्स वगैरह रखने के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे, तो 3 पाउंड के थे, 2 पाउंड वाले भी थे, पाउच जैसा था ये, यहाँ पे आप मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह भर के कहीं भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फाउंडेशन और फिर कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश और ये सारे चीज़ें इस सेक्शन में रखे हुए थे। तो यहाँ पे एज के हिसाब से भी फाउंडेशंस होते हैं कि अगर आप 30 प्लस हो या 40 प्लस हो, स्किन के टाइप के हिसाब से भी होता है फाउंडेशन, और अगर आप यंग हो यानी कि टीन एज में भी हो, तो यहाँ के लोग काफ़ी मेकअप करते हैं, तो उस हिसाब से सारे ही प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हुए थे। प्राइस भी मतलब कम वाले भी हैं, ज़्यादा वाले भी हैं, ऑफ़र में भी थे, तो वैसे टाइप का था। बहुत कुछ मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो मुझे पता ही नहीं कि इसका यूज़ कैसे करते। देखो ये सब ब्लश है, शिमर वाले भी हैं, मैट फिनिश वाले भी थे। सबसे अच्छी चीज़ है कि सारे चीज़ों के टेस्टर अवेलेबल है, तो आप सारे चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हो, लगा के देख सकते हो, और जो पसंद आए उसको आप ले सकते हो, चाहे वो फेस का हो या फिर कोई भी चीज़ स्किन से रिलेटेड हो, आप सारे चीज़ों को टेस्ट करके ही ले सकते हो। वैसे तो यहाँ पे सारे चीज़ों के काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ है, क्योंकि हमारा इंडियन स्किन टोन है और यहाँ के लोग बहुत गोरे होते हैं, तो मैक्सिमम सारे चीज़ जो है ना यहाँ के लोगों के हिसाब से ही बनी होती है, स्किन टोन के हिसाब से होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अगर थोड़ा सा टाइम दे के आराम से थोड़ा सा देख कर खरीदो, तो आपको आपके स्किन टोन से भी काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाएंगी। 5 पाउंड
यहाँ पे सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, और इसलिए यहाँ पे जलीशा आके ना पूरी मतलब पगला गई थी, उसको सब चाहिए था, सब लिटरली जो देख रही थी वो बोल रही थी मम्मा मुझे ये चाहिए, देखो ये वाला सारा पूरा बच्चों का सेक्शन है, नेल पॉलिश है, बच्चों के सारे प्रोडक्ट्स है, सब कुछ रखा है। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ये है वेगन प्रोडक्ट्स, सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सारे वेगन हैं, और चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे कुछ भी हो सारे वेगन, वेगन लिपस्टिक्स 299 का 499 वाला। तो प्राइजेस भी मैं आपको दिखाते जा रही हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए। कंसीलर के वैरायटीज है ये सारे, प्राइजेस देखो अलग अलग प्राइस है सबके। मॉल के स्टोर से ख़रीदने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है साल में एक बार आप इस तरीके के फैक्ट्री आउटलेट में चले जाओ, वहाँ से आप थोक में सारा सामान लेके आ जाओ और साल भर आप आराम से रहो, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, वैरायटीज़ काफ़ी सारी है और साथ में रीज़नेबल प्राइस भी है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो कि शायद आपको नॉर्मल मॉल के शॉप्स वगैरह में नहीं मिलने वाले। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फैक्ट्री आउटलेट। मैं जब नॉटिंगम के फैक्ट्री आउटलेट में गई थी तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारे शॉपिंग करी थी ये कॉस्मेटिक्स रिलेटेड, और अब यहाँ से भी आकर मैंने बहुत सारे कुछ खरीदे, और क्योंकि ऑफ़र भी था, अब क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस में भी बहुत सारे ऑफ़र मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ आसपास में कहीं रहते हो स्विंडन के तो एक बार जाके आप ज़रूर चेक करना। सो गाइज हो गया है मेरा शॉपिंग कंप्लीट, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।